नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज सैटरडे है, हमारे मोटिवेशनल स्टोरी का दिन। आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी ऐसी प्रस्तुत कर रहे हैं जो आप महसूस करेंगे उस मोटिवेशनल स्टोरी को, और ऐसी प्रख्यात कवि की पंक्तियों को कोट कर रहे हैं जो कि रियल लाइफ में जब भी कभी कभी आप देखते होंगे तो महसूस करेंगे कि हाँ, ये पंक्ति सही है। डॉक्टर हरवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, पिताजी थे, अभिषेक बच्चन के दादाजी थे, उन्होंने एक पंक्ति कही अपने किसी ग्रंथ में, किसी पुस्तक में। मैंने उनकी कोई ग्रंथ और पुस्तक नहीं पढ़ी है, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी मैं नहीं रहा हूं, लेकिन कहीं पेपर में हमने पढ़ा था। ये कहा उन्होंने, मन की हो तो अच्छा, मन की हो तो अच्छा, न हो तो और अच्छा। हम पहली बार जब उसको, उस लाइन को पढ़े, समझ में नहीं आया। हम कहे भाई, हमारे मन का हो ही नहीं रहा है, तो ये तो सज्जन कह रहा है कि मन की हो तो अच्छा, और नहीं हो रहा तो और अच्छा कैसे हो जाएगा भाई, ये नहीं समझ में आया हमको। कुछ दिन को बाद समझ में आ गया। उसके बाद अब ये जो उन्होंने पंक्ति कही, इसका एग्जाम्पल तो मैं कहीं से भी ले सकता था, कोई किसी भी स्टोरी से ले सकता था, लेकिन ये एग्जाम्पल, ये सच्ची घटना मैं उन्हीं की फैमिली से लेता हूं जो उन्होंने पंक्ति कही, और आप सुनेंगे तो आप भी सोचते रह जाएंगे कि हां भाई, एकदम जस्टिफाइड लाइन है ये। साल 2007, अब स्टोरी उस सच्ची घटना की तरफ बढ़ते हैं। साल 2007, अभिषेक बच्चन की शादी तय हुई, और वो शादी तय हुई थी करिश्मा कपूर से। सारी तैयारियां हो चुकी थी, सब कुछ कार्ड बढ़ गए थे, सारी डेट फिक्स हो गए थे, सब कुछ कंप्लीट हो गया था, दोनों परिवार राजी हो गए थे। उसके बाद में क्या हुआ, अचानक एकदम करीब आने लगा मामला, तो किसी एक इशू पर, मुझे नहीं मालूम क्या इशू था, वो शादी टूट गई। अब किसी के घर में, हमारे आपके घर में, बेटा या बेटी, किसी की शादी अगर लास्ट मोमेंट टूटती है तो बहुत बहुत कष्ट होता, अपार कष्ट होता है। ये महसूस कर लिए, जान लीजिए, बात सत्य है। उनकी फैमिली के साथ भी यही हुआ। अब से एक बच्चन अलग फर्स्टेड, अब अमिताभ बच्चन अलग फर्स्टेड, जया बच्चन अलग फर्स्टेड, सभी लोग फर्स्टेड। अब क्या करें भाई, और सबसे खास बात की पब्लिसिटी बहुत ज्यादा, भाई बिग फैमिली है, पब्लिसिटी, पूरे नेशनल पब्लिसिटी वो कवर किया हुआ था, वो शादी। अब वो अगर छोटे मोटे किसी फैमिली को होता तो बात सही है, लेकिन जितनी बड़ी फैमिली रहती है, पब्लिसिटी जो हो जाती, तो अगर वो निगेटिव पब्लिसिटी जाती तो और खतरा रहता है, ये जानिए। अब उस समय मैं पेपर में कहीं पढ़ रहा था, उसी दौरान की घटना है, तो किसी पत्रकार ने पूछा, भाई अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पत्रकारों को तो आप जानते आदत, अरे भाई कैसा महसूस करेंगे, एक सवाल इनका रहता, शादी टूटी कैसा महसूस करेंगे, तुम नहीं जानते हो कैसा महसूस करेंगे। खैर, जाने दी इसको, पूरा इंटरव्यू लिया पत्रकार ने, तो अभिषेक बच्चन ने वही लाइन कोट किया था कि हमारे पूज्य दादाजी कहा करते थे कि मन की हो तो अच्छा, न हो तो और अच्छा। चलिए, हमारे मन का नहीं हुआ, देखते हैं, नहीं होता है तो कुछ अच्छा ही होगा। ये लाइन मैंने वहां पढ़ी थी। मैं भी उस घटना पर नजर बनाया, हम कहे भाई देखते हैं कि नहीं हुआ, अब उनके मन का, उनकी फैमिली के मन का हुआ नहीं, अगर नहीं हुआ तो और अच्छा होगा कैसे, ये तो हम जान लें।
इंतजार थोड़ा सा किए, देखते रहे। अब उसी 2-4 महीने के दौरान उनकी शादी तय हो गई ऐश्वर्या राय से, विश्व सुंदरी, 500 करोड़ का बैंक बैलेंस। शादी हो भी गई उसी साल 2007 में। दिमाग में हमारे चढ़ा, हमको भाई डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बात कहते थे, मन की हो तो अच्छा, न हो तो और अच्छा। अगर वहां पर होता करिश्मा कपूर से शादी हो जाती, चलो ठीक है, हो गया उनके मन का उनका हो गया, उनको संतुष्टि मिल गई, और नहीं हुआ तो और अच्छा हुआ। कैसे हुआ? विश्व सुंदरी आ गई, ये बड़ी बढ़िया बात, जस्टिफिकेशन ऑफ द सेंटेंसेस इन दोस फैमिलीज। यहां पर उसी फैमिली में ये लाइन उनके दादाजी का है, उसी फैमिली में लागू हुआ, और हमने महसूस किया कि नहीं नहीं बात बिल्कुल सही है। अब उस जब सेंटेंस की मैं गहराई तक गया कि भाई कैसे ये नहीं होता तो और अच्छा होता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन का कुछ नहीं होता है तो ये मान के चलिए जो होने वाला होता है वो आपके मन का नहीं होता, वो ईश्वर के मन का होता है। और ईश्वर के मन का जब होता है तो आपके आपने जो सोचा था अपने लिए उससे भी बेहतर होता, क्योंकि ईश्वर की नजर में सब समान हो तो अपने किसी भी बंदे या भक्त या किसी भी अनुनायी को कभी दुखी नहीं देखना चाहता। इस सेंटेंस की असली मीनिंग ये है, और यही डॉक्टर साहब कह के गए थे। आप लोग भी दोस्तों इस लाइन को कोट किए रखिए। हमने कई जगह इसको यूज भी किया लोगों के सामने, हम कह भाई अगर हो जाता तो अच्छा है, नहीं होता तो और अच्छा है। कह सर थोड़ा सा एक बार पुनः रिपीट करेंगे, फिर रिपीट किए, कैसे नहीं, जब आपके मन का यहाँ हुआ ही नहीं तो और अच्छा कैसे होगा अगर नहीं होगा तो। हम कहे जाने दो, अगर नहीं समझ पाए तो ठीक है जाने दो, बाद में देख लेना। वो होता वास्तव में वैसे है, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है, और रियल इंसिडेंट है जो मैंने आपको सुना, और रियल स्टेटमेंट है जो मैंने आपको बताया। ये किसी ग्रंथ में डॉक्टर हरबंस राय बच्चन ने कहा था। आज ये रियल स्टोरी के साथ मोटिवेशनल स्टोरी यहीं तक, बहुत शॉर्ट स्टोरी थी क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस से संबंधित था, और मैं इसको बताना ज्यादा प्रासंगिक इसलिए समझा कि आपके जीवन में भी कभी कभी ऐसी घटनाएं आ जाया करती होंगी या करती हैं, तो आप इस सेंटेंस को उस स्थान पर जरूर रख लिया कीजिए, आपको कुछ संतुष्टि मिलेगी, आपका कुछ फ्रस्ट्रेशन कम होगा। नमस्कार, धन्यवाद।